जर्नी को, यात्रा को, पहाड़ होता ना उसके पहाड़ी आप चढ़ने जा रहे हो। बड़ा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं हर बात को। पहले हमने एम की बात करी, हमने टीम वर्क की बात करी, हमने लगन की बात कर ली, आप बात कर चुके हैं, और उसमें बहुत सारी और चीजें भी हमने बात करी है। अब मैं यात्रा को जरा कठिन की तरफ पढ़ रहे हैं। लंच के बाद बिल्कुल कठिन हो जाएगी, ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा परेशान करूंगा। आप पहाड़ चढ़ रहे हैं आप, और यहां से समझना है। अब ले लीजिए। हाँ जी सर, एम साहब, क्योंकि आपने पिछली कंपनी में ट्रेनिंग्स आपने देखी, समझी, कुछ समझी है आपने, तो आप ज्यादा ज्ञानी हैं इनमें से। मेरा इशारा किस तरफ है ये समझना है, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। उसका जिक्र मैंने अपने टॉपिक में अभी ठीक एक घंटा पहले करा। ध्यान से समझना, मेरी हर बात को लिंक करके चलना, मेरा एक पूरा का पूरा चैनल वाइज चैनल चल रहा होगा। आप बताइए, बताइए कुछ क्या समझ आया आपने अभी, कुछ किया उन्होंने अपनी बता दी हो चीज, समझिए। आज आपको एक बहुत नई चीज बताने वाला हूं, बड़े मजेदार चीज। आपके ही अंदर की एक अंदरूनी ऐसी खोज जो शायद आपने कभी एहसास भी नहीं किया होगा, कभी एहसास भी नहीं किया होगा। हां जी सर, आप बताइए, आपने तो बताइए क्या क्या समझ आ रहा है, क्या लिंक कर सकते हैं इसको। सर समझ नहीं आ रहा कि जैसे कहते हैं सुनो काम करो, जैसे होता है ना, एक मिनट कोई बात नहीं, किसी को जैसे कोई है तो मुंह से ना करके ऐसे करके बोलते हैं आप सुनो, किसी कोई काम करने के लिए बोलते हैं जैसे इधर आओ, ये मतलब ये चीज ऐसे बुला भी सकते हैं काम। ठीक है ठीक है, अपना अच्छा 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 उपयोग कर रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चलिए होता है तो कहते हैं ये थोड़ा सुन के कोई काम है इसको ऐसे करके बोर्ड में चले जाते हैं, हो सकता है वो। ठीक है चलिए, आप कुछ बता रहे थे एक मिनट, आपने जब बीच में अभी शुरू हुआ था कुछ आपने क्यों बोला, मैंने कहा बाद में बताना, मैंने आपको टोका भी था सर नीचे से। हाँ क्या मतलब हुआ इसका, मतलब बताओ सर, मतलब बताओ, सबको समझ आना चाहिए। बोल रहा हूँ सर। अरे अच्छा ही बोल रहे हो, मैं तो आपको अच्छा भी दूं, आपकी वार्तालाप अच्छी है सर। सर हमारी कंपनी ये चाहती है। हाँ हाँ, हमें नीचे से ऊपर की ओर उठाना है। ये अच्छा, हमारी कंपनी ये चाहती है कि नीचे से हमारे को और ऊपर प्रगति की जाए। पहला पॉइंट 1.0 क्लियर हो गया, चलो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट खास क्या आ रहा है, और उस विषय में मैंने दो वीडियोस या कुछ वीडियो दिखाई थी, कुछ चर्चा भी करी थी। अपनी बुद्धि को यहां खोल के बैठिएगा, पहली बात तो ये बता दूं आपको, सोती हुई बुद्धि यहां पर काम नहीं कर पाएगी। दिमाग लगाइए, विकास तो है ही है, ग्रोथ की बात तो हुई है, ग्रोथ विकास की बात कर रहे हैं हम। कोई और आप सर, आपकी बात कर रहा हूं, कुछ सोचो और कुछ बताओ। सर अगर हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे तो भारी काम भी चुटकियों में हो जाएगा। चलिए एक पॉइंट और निकल आया इन्होंने, बड़ा अच्छा मतलब निकाला, बहुत अच्छा मतलब निकाल दिया है। और आज हमने चुटकी तो पहले भी मारी ना जी सर, हमने पहले भी मारी है। अब इस समय ये इस तरह की वीडियो दिखाना और आपको बोलना, और इनसे मैंने कहा तो इन्होंने कुछ करा, अब फिर मैं इस बात को यही हो रहा हूं। अब आप जवाब देंगे, मैंने जवाब देना है, मैं सीधा जवाब दे देता हूं, जल्दी बताइए, मैंने जवाब देना है, हार मान गए इतनी जल्दी, हद है। मैं बोलूं, सुनिए फिर ध्यान से सुनिएगा, मेरी की न्यू टेक्निक्स कैसे डेवलप होती है, क्या हम न्यू टेक्निक को जल्दी से अडेप्ट कर पाते हैं, जल्दी से उस पर सहमति बना के चल पाते हैं। समझिए इस बात को समझना है थोड़ा सा। पहले हमने गोल की भी बात कर ली, आपने गोल की बात करी है, दिमाग में रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि पुरानी प्रणाली को छोड़ के मैं नई प्रणाली में प्रवेश कर रहा हूं। समझिए ध्यान से। और इनको इन्होंने क्या किया, इन्होंने अक्लमंदी तो दिखाई, इन्होंने अपनी ही एक नई टेक्निक बना के उसको कामयाब कर दिया। समझिए, मैं कार्यक्षेत्र की बात कर रहा हूं। मैंने कहा चलिए आपको मैंने एक जवाब इनडायरेक्ट दिया था, क्योंकि मैं ये डायरेक्ट उत्तर नहीं दे सकता,
इनको मैंने कहा चलिए आपके हिसाब से चलते हैं, मैंने इनको बोला हाँ आपके हिसाब से चलते हैं, तो नई टेक्निक्स को अपनाना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये है मेरा इस छोटी सी वीडियो का दिखाने का मकसद। पुरानी टेक्निक्स चल रही है ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नई टेक्निक हमें ज्यादा कामयाब कर सकती है, यानी कि अगर हम सफाई की बात कर लें या कुछ उसमें हमने नयापन डाला, हमने खुद डाला। अभी इस पे आऊंगा, धीरे धीरे आऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा समझने में इस पे वक्त लग सकता है। तो मैंने इन्होंने क्या किया जो इन्होंने अपना करा, इन्होंने अपनी एक नई टेक्निक बनाई और उसमें वो कामयाब हो गए। और कामयाब होते ही क्या हुआ कि इनकी बात समझ लीजिए फैल गई कि यार इन्होंने तो बड़ा तरीके वाला काम कर दिया। प्लांटेशन कर लेते हैं, प्लांटेशन में एक पौधे जो करते हैं जो वगैरह, तो एक नई इस्तेमाल करके खाद का भी एक नई प्लांटेशन से बरकरार करके या उसको चार दीवारी लगाई या कुछ भी किया तो पौधा जल्दी होगा, अच्छे फूल आए या जो भी है, समझिए बात को। सिर्फ बात को गहराई से लेना है तो न्यू टेक्निक्स होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पुरानी प्रणाली को ही फॉलो करते जाना चाहिए। हो सकता है उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल रही हो, और नई टेक्निक से हो सकता है हम अगर अडेप्ट करेंगे तो उससे हमें जल्दी प्रगति मिलेगी। तो अच्छा, प्रगति मिलने से क्या होता है? बड़ा छोटा सा एक, अभी तो आप वही उसी प्रोग्राम के अंदर तो बैठे हुए, उसी प्रोग्राम में बैठे हुए सारे के सारे। नई प्रगति से क्या होता है जल्दी बताओ, एक ही सेंटेंस में आंसर। लाइफ चेंज होता है 100%, 100% होता है। और दूसरी बात, जल्दी आज वही प्रोग्राम हो रहा है समझो। अरे प्रोग्राम क्या हो रहा है? लाइफ चेंज। एक मिनट, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होता है, समझ लो ये ऐसा होता है। मैं अपना तजुर्बा भी बता रहा हूं और आपका तजुर्बा भी, कई कंपनीज में मैंने ये देखा, जिनसे भी मिला मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया हमने सर ये कर दिया, उसको मैं बताया था, उसको टर्म को बताया था, उसको काइजन बोलते हैं। काइजन नए प्रकार का कुछ नया, समझना इस बात को। तो उससे प्रगति होते, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का भी विकास होता है, हम कार्य के प्रति और ज्यादा तत्परता से करते हैं, निपुणता कह लो, निष्ठा कह लो, ये बात भी ध्यान में रखनी है। कई बार, बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा, और मुझे नहीं पता आप में से कितने सहमत होंगे इस बात से, कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप काम कर रहे हैं, एक धर्रे पे काम चल रहा है, आप उसमें बोर होने शुरू हो जाते हैं, कुछ नयापन नहीं आ रहा, जिसको मैं नई टेक्निक का एक नाम दे रहा हूं। जैसे ही एक नई आती है तो आपका इंटरेस्ट, समझते हो, वाह यार ये तो मजा आया करने में, ये कुछ नई मिली, आज नई चीज मिली है, पहले ये चीज नहीं थी, आज एक नई मिली, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका काम करने में और विशेष ध्यान चला जाता है। समझिए, बस इस बात को समझाने का मैं कष्ट कर रहा हूं काफी देर से, आपका ध्यान और अच्छा लगना शुरू हो जाता है, आपको और अच्छा लगता है तो आपको और ड्राइव मिलेगा अपने अंदर, प्रोत्साहन, खुद ही मोटिवेशन हो गया, जो शब्द वो लिखा हुआ है